हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उल्लू की वेब सीरीज़ वॉचमैन पार्ट वन का एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है और सोसाइटी के वॉचमैन अमित को दिखाया जाता है, जो सोसाइटी में हर आने जाने वाले लड़कियों को ताड़ता रहता है और इधर उधर ताक झाक करता रहता है। और तब हम देखते हैं कि फर्स्ट फ्लोर में रहने वाली मैडम उसे बुलाती हैं, क्योंकि उनका ब्रा हवा में उड़ने की वजह से नीचे गिर जाता है। और जब वो उसे लौटाने जाता है तो उस मैडम के साथ सपनों में ही कांड करने लगता है। और जब सपना टूटता है तो मैडम उसे वहाँ से डांट कर भगा देती है और वो वहाँ से आकर अपनी जगह यानी अपने कैबिन में बैठ जाता है। और अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें देखते हैं कि उसका एक दोस्त उसे बड़े बड़े सपने दिखाकर उसे गांव से शहर लेकर आया। वो उसके कहने पर वो वॉचमैन तो बन गया और हर आती जाती लड़कियों को देखता रहता है, लेकिन चाहकर भी वो किसी से बात नहीं कर सकता। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां वो और उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं और वो अपने दोस्त रवि पर चिल्ला रहा होता है कि शहर की लड़कियां तो हमें घास भी नहीं डालती, मेरी हालत तो कुत्ते की जैसी हो गई है। और अब ये इसे लाली के बारे में बताता है, जो सोसाइटी में सफाई करने के लिए आती है। और लाली के बारे में सोचते सोचते वो उसके ख्यालों में खो जाता है। और फिर कहानी ऐसे फ्लैशबैक में जाती है और लाली को झाड़ू करता हुआ देखकर वो उसे अपने कमरे के अंदर सफाई करने के लिए बुलाता है। और वो देखता है कि रूम तो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और रवि मौका देकर अंदर घुस जाता है और लाली को पीछे से पकड़ लेता है। और वो भी ऐसा करती है कि मानो जैसे कि बरसों से चरण सुख की प्यासी है और वो भी उसके साथ पलंग तोड़ करने लगती है। और अब कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है और उसकी नज़र सोसाइटी में आई हुई सबसे हॉट लड़की पर जाती है और वो वहाँ से बिना किसी को देखे चली जाती है। और तभी वो देखता है कि ममता मैडम एक हैवी बैग लेकर कहीं से आ रही है और ये देखकर वो मदद करने के बहाने से उससे बात करने लगता है, मगर वो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। और फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि ममता मैडम बिल्डिंग के लिफ्ट में फंस जाती हैं और घबराकर ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं और उसका दम घुटने वाला ही होता है। तभी अमित आकर उनकी जान बचा लेता है और वो उसे सहारा देकर उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। और फिर वो कुछ देर के बाद अमित को दोबारा अपने घर बुलाती है और वो उनके घर बल्ब लगाने जाता है और साथ ही साथ ममता मैडम को बुरी नज़रों से भी देखता है और दूर दूर ये ममता का खास हो जाता है। और फिर वो एक दिन खत लेकर आता है और कहता है कि गांव से मेरी बीवी का खत आया है और हमारी नई नई शादी हुई है और उसे लगता है कि हम पढ़ना लिखना जानते हैं। हमने तो उससे झूठ बोला था कि हम पढ़ना लिखना जानते हैं और इसलिए उसने हमें खत लिखा है, मगर सच तो ये है कि हम काले अच्छर भैंस बराबर हैं। और फिर ममता उसकी बीवी के प्यार भरे खत पढ़कर उसे सुनाती है और उसको वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और फिर अमित को अपनी बीवी की याद करने लगता है। और फिर रात में ममता सपना देखती है कि वो अमित की बीवी है और वो उसके साथ गांव में ही रहती है और इसका मतलब ये है कि अमित के जाल में ममता फंसने लगी है और वो जो चाहता है अब वो उसे जल्दी ही मिलने वाला है। और फिर हमें छाया मैडम को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है और अमित इन लोगों के लिए ड्रिंक बना रहा होता है। तभी उसका मूड बदल जाता है और फिर दोनों के बीच में पलंग तोड़ कार्यक्रम होने लगता है और अमित छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। और अगले दिन अमित लाली को देखता है और वो सफाई कर रही होती है, तभी अमित उसे अपने सर्वेंट क्वार्टर में सफाई करने के लिए बुलाता है और फिर इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त पलंग तोड़ देखने को मिलता है। और काम खत्म होने के बाद अमित उसे ऐसे करता है कि मानो उसे पहचानता भी ना हो। और उधर ममता अपने पति जो बाहर काम करता है उसे वीडियो कॉल करती है और उसे ऐसे सजा देखकर उसके पति का मूड बन जाता है और फिर वो दोनों वीडियो कॉल पर ही चरण सुख की प्यास बुझाने लगते हैं। और फिर कुछ देर के बाद ममता नीचे आती और अमित से कहती है कि क्या बात है, तुम बहुत दिनों से मेरे घर नहीं आए। और अमित कहता है कि हम बार बार आकर आपको परेशान करना नहीं चाहते। और फिर ममता कहती है कि उस दिन तुम्हारी बीवी का खत आया था और तुम्हें भी उसका जवाब देना चाहिए, आज तुम शाम को मेरे घर आ जाना, मैं खत लिखने में तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो तुम्हारे खत का इंतज़ार कर रही होगी।
और फिर शाम में अमित ममता मैडम से अपनी बीबी को भेजने के लिए खत लिखवाने आता है और फिर वो ये बताता है कि उसकी बीबी का नाम भी ममता है। और ये सुनकर ममता और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और ख़ुद को अमित की बीबी समझते हुए उसके सपनों में खो जाती है। और जब सपना टूटता है तो अमित उसके सामने बैठा हुआ होता है और वो उसे देख कर घबरा जाती है और वो भी उसे घबराया और देख कर वहाँ से चला जाता है। और अब कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और लाली अमित की दीवानी हो गई थी और फिर से उसके साथ मज़े लेना चाहती थी। जब से उसके मन में ममता मैडम के साथ रोमांस करने का आइडिया आया है वो तो मानो लाली को भाव ही नहीं देता। और अमित को अब ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि इन लोगों से बात करने के लिए उसके बीवी का खत वाला आइडिया बहुत अच्छे से काम करेगा। और ये दरअसल अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़ा लिखा है और ये सारे खत यही खुद लिखता है। और अब ये अपनी बीवी का खत लेकर इस बार छाया मैडम के पास गया और वो उसे पढ़कर जोर जोर से हंसने लगती हैं। और अब छाया और उसके बॉयफ्रेंड को भी आज भी पार्टी करते हुए दिखाया जाता है और आज वो शराब के साथ साथ नशीली चीज़ों का भी इस्तेमाल करने लगती है। और फिर इन दोनों के बीच में रोमांस होने ही वाला होता है कि तभी अचानक छाया अपने बॉयफ्रेंड को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है और ब्रेकअप करके उसे वहाँ से अपने घर से निकाल देती है। और ये देखकर अमित छाया को सहारा देने की कोशिश करता है मगर वो उसे भी गुस्से से डांट कर भगा देती है। और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का पहला और दूसरा पार्ट का एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर द